अरे भैया तुम आप लोग यहाँ महाराष्ट्र से आए हो, इधर जरा उनको भी पूछने दो, ऐसे क्या कर रहे हैं? वो बोलेंगे हमारे पर अन्याय हो रहा है, ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है करके इनको ये बोल रहा है। सीएम साहब, आज रावण आए, जब अजीत पवार से पूछा कि आपके दौरे के बारे में, तो अजीत पवार ने, अरे भैया उसका 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 जन्म जब नहीं हुआ था तब से मैं काम कर रहा हूँ, उसके बारे में क्या बोलूँ मैं, और अजीत पवार जी को क्या बोलूँ, या अगर फालतूगिरी लगती है उसको। अरे अजीत पवार विरोधी पक्ष के नेता है और उप मुख्यमंत्री रह चुके अजीत पवार, उनको मेरा इतना ही कहना है, अयोध्या यात्रा जो है, ये अयोध्या जो है, राम मंदिर जो है, लाखों करोड़ों हिंदुओं और राम भक्तों की अस्मिता है, ये श्रद्धा है, उसको अगर आप फालतूगिरी कहते हो तो ये राम भक्त आपको बराबर जगह दिखाएंगे। धनुष बाण प्रभु रामचंद्र की जी के आशीर्वाद से मिला है, बाबा साहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से मिला है, तमाम जनता के आशीर्वाद से मिला है। हम महाराष्ट्र में समर्पित भाव से हमारे आखिरी सांस तक ये हम महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे। एक 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 जन पूछो, अरे भैया उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र अभी अलग नहीं है, वो हमारे साथ में खड़े हैं, पूरे खंडे से खंडा मिलाकर। सुनिए एक मिनट, एक एक मिनट जवाब तो सुन लीजिए। अभी जो वहाँ पर जो उत्तर भारतीय रहते हैं, जो जो महाराष्ट्र मराठी लोगों को जो सहूलियत मिलती है, वो जो कई सालों से वहाँ उत्तर भारतीय भी रहते हैं, सभी समाज के रहते हैं, वो सब हमारे मुंबई वासी हो गए, महाराष्ट्र वासी हो गए, उनको वो सब मिल रहा है। महाराष्ट्र भवन के लिए जगह देने का देने की बात हमने विनंती की है इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और उन्होंने सकारात्मक भूमिका ली हुई है, और यहाँ जरूर महाराष्ट्र भवन बड़ा बन जाएगा। और ये भी कहूँगा कि हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे महाराष्ट्र भवन ऐसा बन जाएगा। हिंदी हिंदी हो गया, महाविकास आघाडी, आता तुम्ही त्यांना विचारलं पाहिजे, आता तुम्ही दिसताय त्यांच्यामध्ये, कोण इकडे बोलतोय, कोण तिकडे बोलतोय, कोण तीन तिकडा काम बिघडा, कोण डोळा मारतोय, त्यांना त्यांना ऍलर्जी झाली होती, ऍसिडिटी ऍसिडिटी। हा हिंदी हिंदी हिंदी, हा बस देखिए, वो हमारी ऐसे दोस्ती के संबंध है उनके साथ, क्योंकि पहले जब हम उनके साथ थे तो उनको उनकी एलर्जी थी, इसलिए उनको हम नहीं मिल पाते, अभी हमारे को कोई रोक टोक नहीं, तो वो अच्छे इंसान है, अच्छा काम कर रहे, और निश्चित रूप से नहीं, राजनीति कोई मुद्दे पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन हमारा भाईचारा है, मिलते रहते हैं। हमारे पार्टी की भूमिका स्पष्ट है, हमारी शिवसेना भाजप की अलायंस है, और हमारी विचारधारा एक है, हिंदुत्व की विचारधारा है, और राम लल्ला के दर्शन के लिए हम लोग जब आए हैं यहाँ से ऊर्जा प्रेरणा लेकर जाएंगे,
हमारे महाराष्ट्र में सुजलाम सुखलाम करेंगे, लोगों लोगों की समर्पित भावना से सेवा करेंगे और 2024 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का भगवा महाराष्ट्र पे पूरे बहुमत से लहराएगा। धन्यवाद। नहीं आज देखिए हमारे हमारे उन्होंने स्नेह भोजन पे बुलाया है, आज मैं देख रहा हूँ, खुशी है मुझे कि पहले का उत्तर प्रदेश और अभी का उत्तर प्रदेश जमीन आसमान का फर्क था। मेरे साथ मंत्री जी कल गाड़ी में थे, कितने बड़े रास्ते हो गए, कितनी बड़ी रोशनाई हो रही है, इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, गुंडागर्दी खत्म कर दी है, क्या उनको बोलते हैं बुलडोजर बाबा, उनको डरते हैं गुंडे लोग, अभी गुंडागर्दी खत्म, कानून व्यवस्था बढ़िया है, माता बहनें बिंदास घूम सकती है, आम नागरिक बिल्कुल डरता नहीं, और उनका डर जो है उनका खौफ जो है उनका खौफ और उनका डर गुंडागर्दी वालों को है, आम आदमी यहाँ पर आज बहुत ही सुखी है, विकास हो रहा है। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 67 लाखांपर्यंत सर्व करा सही। CEN News देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।